शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। की आदत है, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जी, जल्दी ही दे देंगे। आप जरूर देंगे ना? जी। ब्यूटीफुल, ये फूल उस रुमाल पर। बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक कस्टमर है। सिर्फ एक कस्टमर है तो रोज रोज तेरे काउंटर पे क्यों आता है? इसलिए कि वो इस काउंटर का रेगुलर कस्टमर है। तो बड़ी लकी है यार, तेरे काउंटर पे कस्टमर आते भी हैं तो रेगुलर और खूबसूरत, और अपने काउंटर पे तो एक एक भर के नमूना ही आता है। देख, तेरे काउंटर पे भी एक हैंडसम कस्टमर आया है। रियली? जा, उसे संभाल। नजर मत लगा। क्या चाहिए आपको? जरा नजदीक आइए। जी नजदीक, मतलब ये कान में बताने वाली बात है, सबके सामने थोड़ी बता सकता। शर्म आ रही है? हाँ। समझ में आया? ओहो, तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? कहो ना कि ब्रेशर चाहिए। हाँ। साइंस बताओ। अभी तक मेरी शादी हुई नहीं। वो अभी तक मेरी वो है। वो देती हूँ। Give me the stunner.
हेलो चित्रा। चित्रा नहीं सर, मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। कहाँ गई चित्रा? वो तो दो दिन से ड्यूटी पर नहीं आई सर। तो मैनेजर साहब फोन दीजिए। मैनेजर साहब सेक्शन रूम में गए हुए हैं, अभी बुला लेता हूँ। यस सर। मैनेजर साहब जरा यहाँ आइए। राइट सर, अभी है सर। ओके सर। कम इन। यस सर। सुना है दो दिन से चित्रा ऑफिस नहीं आई। जी हाँ सर, मैं भी यही कहने वाला था। दो दिन से ऑफिस में कितनी उदासी छाई हुई है सर। छुट्टी के लिए कोई अर्जी भेजी थी? जी नहीं सर। वन वन? जी बिल्कुल नहीं सर। दो दिन इंतजार करो, अगर वो ना आए तो उसकी जगह फौरन कोई और स्टैनो रख ली जाए। समझ गया सर। और सुनिए जी, मुरली एंटरप्राइजेस से कोटेशन आई, फाइल्स और पेपर्स जो हैं वो चित्रा की डेस्क पर है। किसी और से कहो कि अटेंड करें। समझ गया सर। जरा पूर्ति से। जी। चॉकलेट मेरी कमजोरी है। कहिए क्या दूं आपको? कोई अच्छी सी खूबसूरत। समझ गई, बनियान। कौन सा रंग? हर रंग हमें पसंद है, लेकिन हमारी एक शर्त है, उस पर कोई दाग ना हो। आई नो सर, आप जैसे खूबसूरत नौजवान को भला दागदार चीज कैसे पसंद आएगी? दागी माल तो ऐसे वैसों के लिए रखा जाता है। आप देखिए तो सही। देखिए सर, ये तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए सर, ये कैसी है? गुड। कीमत? कीमत चीज की नहीं, पसंद की होती है सर। पसंद हो तो सीने से लगा लीजिए, और अगर ना पसंद हो तो किनारे कर दीजिए। I like it. कितनी? आधा दर्जन? एक। सिर्फ एक? अच्छा ठीक है सर, जब इससे आपका जी भर जाए ना, तब दोबारा हमारी दुकान पे जरूर आइएगा। हमारे पास और भी बहुत से रंग हैं। तब तो आना ही पड़ेगा। देखिए जरूर आइएगा सर। सर प्लीज टू कम। एक्सक्यूज मी सर। सर उस दिन आपने ये रुमाल मांगा था, तब तो आउट ऑफ स्टॉक था। ये समझ के कि आप जरूर खरीदेंगे, मैंने इसे काट दिया है। अब इससे कोई बात नहीं, इसकी कीमत भी हम अदा कर देंगे, हमारे बिल में जोड़ दीजिएगा। ये आप रख लीजिए, हमारी तरफ से तोहफा। कैन आई सी दिस बुक? नजर आ रही हो? अरे बहुत खुलमिल के बातें हो रही थी कस्टमर से। क्यों, तुझे तकलीफ हुई क्या? मुझे क्यों तकलीफ होने लगी? देख भाई, तुझे उससे प्यार हो गया तो बोल दे। विल यू प्लीज शट अप? नहीं, अगर तेरा चक्कर नहीं चल रहा है तो मुझे
मेरा तो चक्कर चलाने दे। बहुत अंत में यार, क्या पर्सनालिटी है रियली। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? शर्म, हया, शराफत, इंसानियत, अरे ये सब लफ्ज किताबों में ही अच्छे लगते हैं मिमता। और फिर हमें यहाँ से मिलता ही क्या है, 300 रुपए, जिसमें से 150 रुपए घर का किराया चला जाता है, 50 रुपए बस का भाड़ा, बचे क्या 100 रुपए। ऊपर से घर में बूढ़ी माँ की बीमारी और छोटी बहन की पढ़ाई, तू ही सोच 100 रुपए में इंसान गुजारा कैसे करे। तो क्या तुम पैसे की खातिर अपनी इज्जत का भी सौदा कर दोगी? इज्जत का नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट का। दुकान में हंस के बात करो तो मालिक का फायदा होता है, और दुकान के बाहर हंस के बात करो तो अपना फायदा होता है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ए चॉकलेट, ये लो तुम अपनी किताब। अरे इतनी जल्दी पढ़ ली तूने, कैसी लगी? मुझे तो नहीं पसंद आई। कोई चांस नहीं। हेलो हेलो, एक्सपोर्ट इंडिया? यस, कौन मांगता है? देखिए मैं चित्रा का भाई बोल रहा हूँ। देखिए मैं इस होटल का, आई मीन इस ऑफिस का मैनेजर बोल रहा हूँ, मुरली मनोहर बीयर अभी तक आ रहा हूँ। मैं चित्रा से 1 मिनट बात कर सकता हूँ? अजी 1 मिनट क्या, आप उससे 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है वो तो कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आई। दफ्तर नहीं आई, लेकिन क्यों? अरे कमाल है, आप उसके भाई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैनेजर साहब, मैं एक सेल्समैन हूँ, ज्यादातर टूर पर ही रहता हूँ। अब की बार जब घर आया तो चित्रा गायब थी। आपकी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर देखा, इसलिए आपको फोन किया। हुजूर, चित्रा सिर्फ 4 दिनों तक हमारे दफ्तर की शोभा बढ़ाती रही, उसके बाद वो बिना किसी अर्जी के और बिना किसी को इत्तला किए न जाने कहाँ चली गई। तब से हमारे दफ्तर में बहुत सुनापन छाया हुआ है, आप अपने अड़ोस पड़ोस में पता लगा के देखिए ना। हाँ हेलो, हेलो, जी हाँ रूप सागर, कौन चाहिए आपको? शीला, 1 मोमेंट प्लीज। ए चॉकलेट, तुम्हारा फोन। फोन मेरे लिए? बात है। हेलो, हाँ मैं शीला बोल रही हूँ, कौन? गोपाल? नहीं, तो टॉनी बोल रहा? टॉनी भी नहीं, आवाज तो पहचानी सी लग रही है। अरे भाई कौन है बोलो ना यार। हाँ क्या? हाँ कहाँ? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगी। हाँ आई नो यार, हाँ मिलके बात करेंगे ना, ओके। हाँ लेकिन सुनो, मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? व्हाइट ड्रेस, रेड रोज, ओके ओके, अच्छा बाय बाय, थैंक यू। व्हाइट ड्रेस, रेड रोज, व्हाइट ड्रेस, रेड रोज, व्हाइट ड्रेस, रेड। अरे शारदा सुन, मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, लेकिन पूछना मत के कहाँ जा रही हूँ, कल तुझे मिलूंगी ना तो सब बता दूंगी, जाओ जाओ। अरे मैं अपनी जिंदगी बनाने जा रही हूँ, कमबख्त जरा हंस के तो विदा कर। हंस तो, दैट्स नाइस। और सुन, कल मेरा बर्थडे है, शाम को तुझे घर आना है और हम डिनर साथ खाएंगे, ओके ओके बाय। Thank you.
फोन किया था मुझे? अरे वाह, अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे और लाइन मारना शुरू। वाह बेटे। मैं बेटा, मैं बेटी हूँ। आप बेटी हैं? अच्छा, इसी बात पे ये चॉकलेट खाइए। थैंक यू। किसने फोन किया होगा? यहाँ तो कोई व्हाइट ड्रेस रेड रोज वाला साला नजर नहीं आता। चिंता हो रही है मुझे। पर तुम्हारी तो वो बहुत फ्रेंड होती है, तुम्हारे को बताकर भी नहीं कि कहाँ गई। बहुत चक्रम छोकरी है। कल उसके लिए एक टेलीफोन आया था, कह रही थी जिंदगी बनाने जा रही हूँ, आज उसका बर्थडे है, शाम को उसके घर जाऊंगी तो पता चल जाएगा। अच्छा। रूप सागर, क्या बोला? क्लोजिंग टाइम 8 o'clock, 8 बजे। रात के वक्त अंधेरी सड़कों पर जरा संभल के चला कीजिए। चलिए बैठिए, जहां जाना हम छोड़ देते हैं। जी। चलिए आइए आइए, बैठिए ना गाड़ी में। क्या हुआ? जी बस। कमान कमान हरी आप। हाँ तो बोलिए, कहाँ छोड़ते हम आपको? जी, महात्मा गांधी रोड वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल। लेकिन जिस रास्ते से आप गुजर रही थी वो तो महात्मा गांधी रोड से हटकर है। दरअसल मैं अपनी सहेली शीला के घर जा रही थी, आज उसका बर्थडे है। किसके घर? शीला। अच्छा नाम है। आपका नाम? शारदा। उससे भी अच्छा,
तो हम आपको वहीं छोड़ दें? नहीं, अब मैं हॉस्टल ही जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप मुझे हॉस्टल ही छोड़ दीजिए। हॉस्टल पर नहीं जी, दरअसल पिताजी की मौत के बाद मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। माँ मामा जी के साथ गांव में रहती है, और तो कहीं है नहीं, इसीलिए मैं अकेले ही। आप भी हमारी तरह अकेली हैं। रात के सन्नाटे में ड्राइवर की सीट के पास बैठकर इस तरह चुप रहेंगी तो एक्सीडेंट होने का डर है। जी, मैं क्या बोलूं? अच्छा, हम सवाल करते हैं, आप जवाब दीजिए। ओके, हम बार बार आपकी दुकान पर आते रहे, आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं। दुकान पर आने के बाद हम आप ही के काउंटर पर आते रहे, आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं। उस दिन जान पहचान के बगैर ही हमने आपको एक रुमाल तोहफे में दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं। अगर हम आपसे इस वक्त ये कह दें कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं। शारदा, आई लव यू। क्या ख्याल है, कोई अच्छी सी फिल्म देखी जाए? मेरे हॉस्टल में एक वार्डन भी है। शारदा, टू इज कंपनी, थ्री इज अ क्राउड, कबाब में हड्डी क्यों? मेरा मतलब है, अगर मैं हॉस्टल लेट पहुंची तो वार्डन बहुत गुस्सा करेगी। अब नहीं तो फिर कब? अगले संडे। प्रॉमिस प्रॉमिस।